और बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने इसराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ 60 से ज्यादा गोले दाग दिए हैं। हमास के डेप्यूटी चीफ अरूरी के मारे जाने के बाद नसरल्ला ने इसराइल से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली है। नंबर वन चैनल का ये नंबर वन शो साजिश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। साजिश में हम आज सबसे पहले बात हिजबुल्ला की करने वाले हैं, जिसको लेकर बड़ी खबर मिल रही है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला ने इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही और इसे देखते हुए हिजबुल्ला के लड़ाके ही बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इन लोगों को डर है कि अरूरी को जिस तरह से इसराइल ने बेरूत में घुस कर मारा, कहीं नसरल्ला का भी वही हश्र ना हो जाए। खलाया हुआ है हसन नसरल्ला, डरा हुआ है लेबनान का हिजबुल्ला संगठन। नसरल्ला को मार डालेगा इजराइल। हसन नसरल्ला इजराइल का दुश्मन नंबर दो, हिजबुल्ला का चीफ। इसराइल के खिलाफ नसरल्ला ने हमले का ताजा ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इसराइल पर 60 रॉकेट दागे हैं। التعزيه باخينا الحبيب والعزيز القائد الكبير الشيخ صالح نائب رئيس المكتب السياسي لحركه حماس ورفاقه القادة والكوادر في القسام وفي حماس الذين استشهدوا بالأمس في عدوان إسرائيلي فاضح على الضاحية الجنوبية لبيروت. हसन नसरल्ला जिस तरह से एक्शन में है, उसे देखकर लगता है कि इसराइल ने नंबर टू टारगेट सेट कर दिया है। हमास का खात्मा करते करते इसराइल लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने वाला है। नसरल्ला खुल्लम खुल्ला इसराइल की ताकत को चैलेंज कर रहा है, बदला लेने की धमकी दे रहा है। जी बदला, उस हमास के नेता के मारे जाने की जो लेबनान में छिप कर बैठा था। इसराइल की सेना ने हमास के इस लीडर की तलाश की और मिलते ही बेरूत में मौत की नींद सुला दिया। في ابتغاء القوم ان من اعظم ما يمكن ان يتمناه الانسان او من اشرف ما يمكن ان يحصل عليه الانسان ان يكون موته قتلا وعلى يد من؟ على يد قتلة الأنبياء وهذا هو حال شهدائنا في هذه الأيام ما له صلة أيضا بالمناسبة ما حصل اليوم في جوار الموقد الطاهر आपको आगे दिखाएंगे कि हिजबुल्ला संगठन ने इसराइल के क्रोध से बचने के लिए कौन सी प्लानिंग की है। लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि जब नसरल्ला ने कहा कि इसराइल को छोड़ेंगे नहीं, तो इसराइल ने क्या प्रतिक्रिया दी है। जवाब में इसराइल ने कहा है कि हमले में हमास के उप प्रमुख की मौत लेबनान पर हमला नहीं था, हमास के नेतृत्व के खिलाफ की गई एक सर्जिकल स्ट्राइक में सालेह अल अरूरी की मौत हो गई। ۲۰۰۶ के बाद ये पहली बार है जब इसराइल की फौज लेबनान में घुसी और अरूरी को मार डाला। हिजबुल्ला के लिए ये बेहद शर्मनाक है कि उसके रहते हुए इजरायली सेना उसके इलाके में घुसकर उसके चहेते अरूरी को मार डाला। हसन नसरल्ला के बारे में आप जानेंगे तो आपको अंदाजा लगाने में मुश्किल नहीं होगी कि अब नसरल्ला का अगला कदम कितना खून बहाने वाला होगा। والأطفال حيث قضى عدد كبير من الشهداء
يعني لاخر متابعه لإلي تجاوز العدد 80 شهيدا واكثر من 160 جريحا. ايضا نتوجه الى عائلاتهم جميعا بالعزاء. هؤلاء شهداء، شهداء نفس الطريق، نفس القضيه. सालेह अल अरूरी हमास के टॉप कमांडरों में एक था और इजरायली सेना के हिट लिस्ट में शामिल था। 57 वर्षीय अरूरी लेबनान में निर्वासन की जिंदगी बिता रहा था। इजरायली सेना को काफी दिनों से इसकी तलाश थी। अरूरी पिछले 4 वर्षों से आईडीएफ के निशाने पर था। मौका मिलते ही अरूरी को इजरायली सेना ने मार डाला। कहा जा रहा है कि अरूरी इजरायल के ड्रोन हमले में मारा गया। अरूरी हमास और हिजबुल्ला के बीच एक कड़ी था। अरूरी के संपर्क सूत्रों के चलते ही हिजबुल्ला उसका खुलकर समर्थन करता रहा, लेकिन इजरायल ने नसरल्ला के सबसे करीबियों में से एक को मार उसे बहुत बड़ा झटका दे दिया है। लिहाजा नसरल्ला बदले की आग में जल रहा है। इजरायल के भय से नसरल्ला बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं दिखता, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि हसन नसरल्ला एक शिया आलिम मतलब धार्मिक विद्वान है जो लेबनान में हिजबुल्ला ग्रुप के प्रमुख है। इस प्रमुख को इस समय लेबनान के सबसे अहम राजनीतिक दलों में गिना जाता है, जिसकी अपनी सशस्त्र विंग भी है। हसन नसरल्ला लेबनान के साथ साथ दूसरे अरब देशों में भी लोकप्रिय है। ईरान और अली खामनेई के साथ बहुत निकट के और विशेष संबंध है। हिजबुल्ला को अमेरिका की ओर से आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया गया है। हिजबुल्ला का मकसद इजरायल की बर्बादी है। इजरायल भी हिजबुल्ला को हमास से ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन मानता है। ये भी क्लियर है कि बिना हिजबुल्ला के सफाए के या किसी शांति समझौते के इजरायल चैन से नहीं जी पाएगा, क्योंकि हिजबुल्ला इजरायल के खिलाफ हमले करने से बाज नहीं आएगा। हिजबुल्ला के पास हथियारों का बहुत बड़ा भंडार है, जिसमें ऐसी मिसाइलें शामिल हैं जो इजरायली इलाकों में दूर तक हमला कर सकती हैं। इसके पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके हैं। इसराइल के मुताबिक हिजबुल्ला के करीब 45,000 लड़ाके हैं। हिजबुल्ला के पास 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें तमाम लंबी दूरी तक मार करने वाली भी शामिल हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास एंटी टैंक हथियार, मानव रहित ड्रोन, एंटी शिप मिसाइलें और हवाई रक्षा प्रणाली मौजूद है। जाहिर है इसराइल को गाजा से भी ज्यादा मुश्किल आएगी अगर हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया तो, लेकिन मुश्किल है कि हिजबुल्ला को रोकने के अलावा इसराइल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह रखा है कि अगर हिजबुल्ला इस विवाद में दूसरा मोर्चा खोलता है तो उसको अकल्पनीय जवाब दिया जाएगा। सवाल बनता है, तो क्या लेबनान के खिलाफ इजरायल जंग का ऐलान करने ही वाला है? अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान आएगा, वही ईरान जिसने हमास को मुश्किल के वक्त छोड़ दिया। ईरान इजरायल के हमले के वक्त हिजबुल्ला के साथ खड़ा होगा। इन सवालों का जवाब एक लाइन में नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा अरब वर्ल्ड ऐसे ही हिजबुल्ला, हमास और हूथी विद्रोहियों को इजरायल के खिलाफ उतारता रहा है। इजरायल के खिलाफ गोले और रॉकेट बरसाने वाले ये तीनों संगठन सिर्फ हथियार बंद संगठन नहीं है, बल्कि अरबों के इजरायल के खिलाफ विरोध का प्रतीक है। ईरान खुलेआम हिजबुल्ला का समर्थन करता है, हूथी विद्रोहियों का साथ देता है, हमास को हथियारों की सप्लाई करता है। लिहाजा ये बात तो बहुत साफ है कि इसराइल को फाइनली ईरान से ही दो दो हाथ करना होगा, तभी इसराइल को सुकून मिलेगा। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ईरान अब 70 के दशक वाला ईरान नहीं है। उसके पास भी कहा जाता है कि परमाणु बम है। अब ध्यान दीजिए कि हिजबुल्ला के चक्कर में कैसे ईरान और इसराइल के बीच परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। लेबनान और हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के पास लड़ाके हैं, ईरान का समर्थन है, हथियार है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि पूरा लेबनान हिजबुल्ला के साथ नहीं है। पूर्ण युद्ध लेबनान के लिए विनाशकारी होगा और इसके लिए जनता का समर्थन बहुत कम है। इसका कारण है कि लेबनान वर्षों से अधिक संकट का शिकार है। राजनीतिक गतिरोध की वजह से उचित ढंग से काम करने वाली सरकार तक नहीं है।
लेबनान की जनता पहले से गृहजुद, सशस्त्र गुटों के बीच आंतरिक लड़ाई, इसराइल के साथ संघर्ष और पड़ोसी सीरिया में युद्ध के चलते मुश्किलों से गुजरती रही है। 60 लाख की आबादी वाले इस देश के पास इसराइल सरीखे कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो इसराइल और अमेरिका का एक साथ सामना कर सके। इसराइल से संघर्ष के बीच लेबनान के सैकड़ों लोग अपने घरों के अंदर रहने या बेरूत के दूसरे शहरों की ओर भागने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन हिजबुल्ला इस तरह के पलायन से इसराइल के खिलाफ हमला बंद नहीं करने वाला। लेबनान और इसराइल के बीच की दुश्मनी भी नई नहीं है। 2006 में हिजबुल्ला ने दो इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया था। हिजबुल्ला इसके बदले इजरायली कैद में बंद अपने लड़ाकों को छुड़वाना चाहता था, लेकिन इजरायल ने शर्त मानने की जगह हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला के घर पर बमबारी करके जवाब दिया। इसके बाद दोनों के बीच 34 दिनों तक युद्ध चला। इस जंग में 1100 लेबनानियों की मौत हुई जबकि 165 इजरायली मारे गए थे। 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले इसराइल लेबनान बॉर्डर करीब करीब शांति रहा। कभी कभार लेबनान की तरफ से इसराइल में ड्रोन और रॉकेट से हमले होते रहे, जबकि इसराइल ने 2007 से 2022 तक 22,000 बार लेबनानी वायु सीमा का उल्लंघन किया है। इसराइल ने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि हमास के आतंकी धरती के किसी भी कोने में छुपे होंगे, उनकी तलाश की जाएगी और उनका खात्मा किया जाएगा। अरूरी को बेरूत में घुसकर मारना इसी कड़ी में है। यही कारण है कि हमास के नेता कभी कतर, कभी ईरान तो कभी लेबनान में ठिकाने बदलकर अपनी जान बचा रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन सारे नेताओं को ट्रैक करने के लिए अपनी टीमें लगा रखी हैं। कतर और ईरान में हमास के नेताओं पर हमले से युद्ध भड़क सकता है, लिहाजा इसराइल हमास के नेताओं के लेबनान जैसे देशों में आने का इंतजार करता है। ऐसा ही हमास के डिप्टी चीफ अरूर के साथ भी हुआ। जब तक कतर में था सुरक्षित था, लेकिन ईरान से होता हुआ जब लेबनान पहुंचा तो ड्रोन हमले में मारा गया। इसराइल का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, कतर और ईरान से अभी उलझना नहीं, हिजबुल्ला हमास और हूथी को छोड़ना नहीं। खबर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने जमीन और आकाश से पूरे गाजा पर भयानक हमले किए हैं। फिलिस्तीनी प्रशासन के मुताबिक इजरायली हमलों में गाजा में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जबकि करीब 300 फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। बीते 24 घंटे के अंदर इजरायल ने पूरी गाजा पट्टी में कोहराम मचा रखा है। हालांकि हमास ने यह दावा भी किया है कि इजरायली सेना को भारी नुकसान पिछले 24 घंटे में पहुंचाया गया है। अब यह लगभग तय हो चुका है कि साल 2024 गाजा के लिए काल बनकर आ गया है। भारी नुकसान झेलने के बाद इजरायली सेना बुरी तरीके से बौखला गई है। हमास ने इस वक्त मध्य गाजा, दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। साल 2024 गाजा युद्ध को लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसराइल की IDF गाजा से हमास लड़ाकों का सफाया नहीं कर पाई है। हालांकि पिछले 36 घंटों में इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों के साथ साथ 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है। हैरानी की बात तो यह है कि इजरायली सेना पर पिछले 2 हफ्तों से अचानक हमास के लड़ाकों ने उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2023 को हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमास के लड़ाके इजरायल के टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं। हेलमेट पहन रहे हैं टैंक, टैंकों का कब्रिस्तान गाजा, हमास का टैंकों पर हमला। 31 दिसंबर 2023 को हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए,
जिसमें हमास लड़ाके बेहद करीब से इजरायली टैंक के ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं। हमास का दावा है कि यह हमला इजरायली टैंकों पर दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में किया गया है। हमास का दावा है कि यह हमला 30 दिसंबर 2023 को इजरायली टैंकों पर हुआ है। इजरायल के टैंकों पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं, क्योंकि इजरायल का मरकावा टैंक हमास और गाजा का काल बन चुका है। इजरायल इन्हीं टैंकों से अब तक 800 से ज्यादा सुरंगें तबाह करने में मदद कर चुका है। यही वजह है कि अब हमास इजरायल के टैंकों पर बेहद पास से हमले कर रहा है। कई बार तो मुश्किल से 20 से 25 फीट की दूरी से हमास हमले कर रहा है। हमास के रॉकेट इजरायली टैंकों के हैच वाले यानी ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से टैंक बर्बाद हो रहे हैं। अब हमास की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए, जिसमें हमास के लड़ाके गाजा में कब्रिस्तान बन चुके इमारतों के पीछे से इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई है। इसी तरह से हमास ने 28 दिसंबर 2023 को इजरायली सेना पर मध्य गाजा में प्यूरिस शरणार्थी शिविर इलाके में इजरायली सेना पर हमला किया है। टैंक और पैदल सेना पर हमास इसी तरह से हमला कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में अभी भी इतनी ज्यादा सुरंगें बची हैं, जहां से अचानक हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। इसी तरह से हमास के लड़ाकों ने 27 दिसंबर 2023 को एक ही हमले में 12 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। हमास का ये वीडियो किस जगह का है ये तो नहीं पता, लेकिन वीडियो में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों के हमले साफ देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि इजरायली सेना के मरकावा टैंक के ऊपर शील्ड लगाई जा रही है, ताकि टैंकों को दबाह होने से बचाया जा सके। इजरायल की मौत बना हमास का सुरंग युद्ध। अब तक इजरायल के 480 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमास की वो सुरंगें हैं जो अभी तक इजरायल तबाह नहीं कर पाया है। हालांकि नेतन्याहू पिछले हफ्ते गाजा पहुंच गए थे और उन्होंने इजरायली सेना के कमांडर्स और सैनिकों के बीच काफी वक्त बिताया। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब किसी भी कीमत पर गाजा युद्ध नहीं रुकेगा, चाहे भले ही गाजा युद्ध लंबा चले। अगर हम गाजा में फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों पर नजर डालें तो तस्वीरों और आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है कि इजरायल ने गाजा को पूरी तरह से कब्रिस्तान बना दिया है। गाजा में 70% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी है। 19 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी बन चुके हैं। भूखे, प्यास, बीमारी और बमों के हमलों ने गाजा में फिलिस्तीनियों को साक्षात नरक में पहुंचा दिया है। जरा ये आंकड़े देखिए। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में इजरायली सेना ने 22,000 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसकी वजह से गाजा की 70% इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक पूरे गाजा पट्टी में 3,55,000 से ज्यादा इमारतें तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं, जिसमें कोई रह नहीं सकता है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज की 370 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से इजरायली हमलों में जमीन में दफन हो चुकी हैं, जो इजरायल के खौफनाक हमलों का जिंदा सबूत है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं, जिसकी वजह से 230 से ज्यादा मस्जिदें और पूजा घर गाजा पट्टी में तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। गाजा में सबसे भीषण और दर्दनाक हमले इजरायल ने अस्पतालों पर भी किए हैं, क्योंकि इन्हीं अस्पतालों के नीचे हमास की दर्जनों सुरंगें, हमास का हेडक्वार्टर और अड्डे बने हुए थे। हमास इन्हीं अस्पतालों की आड़ में इजरायली सेना पर हमला कर रहा था। इजरायल ने ऐसे 36 में से 26 अस्पतालों को जबरदस्त बमबारी में दबा कर डाला है। गाजा में रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। 20 से 23 लाख लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इजरायली सेना ने 11 बड़ी बेकरी तबाह कर डाली है। पूरे गाजा में 17 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी बन चुके हैं। हालात ये है
कि उत्तरी गाजा की 90% जनता भाग गई है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 21,822 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जो साबित करता है कि हमास को इसराइल पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इसराइल के हमलों में मारे गए कुल फिलिस्तीनियों में से 47% मरने वाले बच्चे ही हैं। इन्हीं हालातों को देखकर हमास, हिजबुल्ला और ईरान अब इसराइल से आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू ने साफ चेतावनी दे दी है कि कोई जिंदा नहीं बचेगा। לוחמים על הקרקע, לפעמים גם מתחת לקרקע, ויש לנו עיניים בשמיים. אנחנו אומרים למחבלי החמאס, אנחנו רואים אתכם ואנחנו נגיע אליכם. אנחנו ממשיכים במלחמה, מעמיקים את הלחימה. בדרום הרצועה ובמקומות אחרים, אנחנו נלחמים עד הסוף ובעזרת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר. उत्तरी गाजा पर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हजारों बम गिराना शुरू कर दिया। इजरायल की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग ने देखते ही देखते उत्तरी गाजा में इमारतों को जमीन में दफन कर दिया। यहां तक कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने मरकावा टैंक से हमले शुरू कर दिए। इजरायली डिफेंस फोर्स की रीढ़ मरकावा टैंक पर हमास के लड़ाकों ने भी जबरदस्त पलटवार किया और कई दर्जन टैंक लगभग 90 दिन की जंग में तबाह कर दिए। हमास के लड़ाकों ने सुरंगों से निकलकर उत्तरी गाजा में हमले किए। इसराइल ने लगभग 90 दिन की जंग में हमास के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मारा है। अब तक 100 के करीब हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हमास गाजा में पलटवार कर रहा है, उससे साफ हो चुका है कि साल 2024 गाजा के लिए बहुत विनाशक साबित होने जा रहा है। ईरान ने कहा कि वो केरमान में हुए आतंकी हमले का जवाब जल्दी देगा। ईरान ने इस हमले के लिए इजरायल और अमेरिका को दोषी ठहराया है। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। केरमान में आत्मघाती धमाके हुए थे जिसमें मरने वालों की तादाद 91 पहुंच चुकी है। ईरान ने कहा कि वो इस हमले के लिए जिम्मेदार ताकतों को छोड़ेगा नहीं। तो आपको बता दें कि किस तरीके से किरमान की ओर से ये पूरा बयान सामने आया। अब ईरान ने अब तक जो भी धमकी दी उसे इसराइल और अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है। यमन का मिलिशिया हुती अब ईरान की इसी इरादे को पूरा करना चाहता है। हुती विद्रोहियों ने अमेरिका से कह दिया है कि अगला हमला बहुत खतरनाक होगा, वही अमेरिका कैसे बचेगा इसके लिए वो भारत के कमांडो ऑपरेशन से बहुत कुछ सीख सकता है। वो वीडियो है जिसे देखकर बाइडन हिम्मत जुटा सकते हैं। ये वो वीडियो है जो अमेरिका का डर खत्म कर सकता है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन गया है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर अमेरिका के मशहूर सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से सीख सकते हैं। देखिए कैसे भारतीय नेवी के कमांडो एक अगवा हुए जहाज की तरफ बढ़े। कमांडो जहाज पर सवार होते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। एक एक कोने की तलाशी ली जाती है। जहाज पर कब्जा करने वालों को ललकारा जाता है और फिर ऑपरेशन जीत लिया जाता है। पूरी खबर यह है कि भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर एक कार्गो जहाज को मुसीबत से बचा लिया।
मार्कोस यानी मरीन कमांडोज, इस फोर्स ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों में दहशत पैदा कर दी। भारत के इस कमांडो टीम ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि समुद्री लुटेरे भाग खड़े हुए और कार्गो जहाज पर बंधक बनाए गए 21 लोग छुड़ा लिए गए। इस कमांडो ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले मर्चेंट शिप MV लीला शिप को बचाकर दिखाया है। इस कमांडो एक्शन में इंडियन नेवी के स्पेशल समुद्री कमांडो फोर्स मार्कोस पूरी दुनिया को बता रही है कि समंदर में दुश्मनों से कैसे लड़ा जाता है। ये जान की बाजी लगाने जैसा है, दुश्मन की गोलियों का सामना करने जैसा है। भारत ने इस जहाज को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लाइबेरिया के झंडे वाले मर्चेंट शिप MV लीला शिप को बचाने के लिए सिर्फ मार्कोस कमांडो ही तैनात नहीं किए गए, इसमें P-8I टोही विमान भी शामिल रहा। इसमें अमेरिका से ही खरीदा गया MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भी शामिल हुआ। ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान जहाज पर बराबर नजर रखी गई और फिर जब भारत के मार्कोस ने MV लीला जहाज पर चढ़ाई की तो जीत भारत की हुई। इस जहाज के आसपास कई मतलब 5-6 धाउज और फिशिंग बोट्स वगैरह थे, तो उनका भी डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड किया गया। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस था कि पायरेट अटैक हुआ है, और कोई जानकारी नहीं था कि पायरेट ऑन बोर्ड है नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था क्योंकि क्रू सिडल के अंदर थे और उनको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो इतने में हमने डिसाइड किया कि जैसे सेकंड PHI जाके इसको, जो फर्स्ट PHI है उसको ऑन द स्पॉट रिलीव करेगा, और उसके बाद एक सी गार्डियन भी जाएगा ताकि वो सिचुएशन को मॉनिटर करे और वीडियो वगैरह हमें रिले कर सके। सवाल है कि ऐसी हिम्मत अमेरिका क्यों नहीं दिखा पाया जो इस वक्त लाल सागर में मौजूद होने के बावजूद यमन के हूथी विद्रोहियों से घबराया हुआ है। क्या अमेरिका के सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से कमजोर हैं? क्योंकि यहां तो मार्कोस कमांडो ने 2 घंटे में ऑपरेशन करके दिखाया है। भारत ने हर टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके समुद्री लुटेरों को डरा दिया, भगा दिया। अमेरिका तो खुद को सुपर पावर कहता है, आखिर उसका कैरियर हूथी विद्रोहियों को देख कर लाल सागर से क्यों भाग गया? जब गाजा में इसराइल की बमबारी चल रही है, जब लेबनान बॉर्डर पर इसराइल और हिजबुल्ला की टक्कर हो रही है, तब हिंद महासागर के एक पश्चिमी कोने में इस वक्त तूफान मचा हुआ है। हालात बहुत ज्यादा खराब है और अब यहाँ युद्ध का ऐसा खतरा है कि सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या अमेरिका यमन के हूथी विद्रोहियों से डर गया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि उसके फैसले तो यही साबित करते हैं। इस वक्त अमेरिका को एशिया के 3 इलाकों में चैलेंज मिल रहा है। चैलेंज नंबर 1 अरब सागर, चैलेंज नंबर 2 आदेन की खाड़ी, चैलेंज नंबर 3 लाल सागर। इस वक्त हूथी विद्रोही लाल सागर में इसराइल से जुड़े जहाजों को टारगेट बना रहा है, इसीलिए अमेरिका ने अपनी नौसेना लाल सागर में तैनात की हुई है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि जो भी लाल सागर में अमेरिका के साथ आएगा उस पर हमला जरूर होगा। हूथी विद्रोहियों के टारगेट 2 हैं, पहला है इसराइल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इसराइल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर 2 मानता है। كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية. हूथी विद्रोही लगातार इसराइल पर हमला कर रहे हैं, वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इसराइल के दक्षिणी इलाके पर अटैक कर रहे हैं, साथ में इसराइल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों को ललकारा है, यानी हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। इसमें अमेरिका और इसराइल के अलावा ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बहरीन है, यूरोप के बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, द नीदरलैंड्स और ब्रिटेन के अलावा न्यूजीलैंड है, जापान है, दक्षिण कोरिया है और सिंगापुर भी।
ये अमेरिका को जवाब है जिसने लाल सागर को हूथी प्रूफ बनाने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की शुरुआत की है। للدول التي تفصل جغرافيا بيننا وبين فلسطين المحتلة لتفتح منافذ مرور وعبور برية ليتحرك مئات الآلاف من أبناء شعبنا للجهاد في فلسطين ذا هو جهاد مقدس وعمل عظيم وموقف حق अमेरिका ने जब से इस मल्टीनेशनल फोर्स को बनाने की पहल की है वो हूथी विद्रोहियों के टारगेट पर आ गया है और हैरत है कि अब तक वो उनको डराने में नाकाम रहा है। हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि वो अब इन देशों के जहाजों को टारगेट बना सकता है और ऐसा वो लाल सागर में करेगा, ऐसा वो आदेन की खाड़ी में करेगा। ये वो देश हैं जो अमेरिका के उस गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं जो लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को नाकाम करना चाहते हैं और इसके लिए ये गठबंधन यमन पर हमला करने की भी धमकी दे रहा है। दरअसल अमेरिका को डर है कि लाल सागर में उसके जहाज डुबो दिए जाएंगे। अमेरिका को डर है कि यमन के हूथी विद्रोहियों से उसका युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका को डर है कि अगर हूथी ने एंटी शिप मिसाइल मारी तो उसका कैरियर डूब जाएगा। हूथी विद्रोहियों से इजराइल के बाद अब अमेरिका को भी खतरा बढ़ गया है। हूथी विद्रोही दिखा चुके हैं कि वो जहाज पर कैसे कब्जा करते हैं, वो कैसे इजराइल से जुड़े जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर वाला ऑपरेशन इसका सबूत है। इस हेलीकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दरवाजे पर दो झंडे लगे हैं, एक है यमन का झंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लैग। ये लाल सागर है, दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है। देखिए रेड सी में क्या हुआ। हेलीकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से रफ्तार मिलाकर आगे बढ़ता है और इस शिप पर उस जगह पहुंचता है जहां ये जहाज पर उतर जाए। लेकिन अचानक इस हेलीकॉप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते हैं, जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। AK-47 और बाकी हथियारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर फौरन जहाज से उड़ जाता है। क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। ये कमांडो जल्दी से जहाज के ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिज यानी वो जगह जहां से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है। शिप के स्टाफ की तरफ राइफल तान, ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल होते हैं और फिर क्रू मेंबर हैंड्स अप करके हमलावरों की स्क्रीन के आगे सरेंडर कर देते हैं। शिप के ब्रिज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कब्जा बाकी जहाज पर होने लगता है। ऐसे हमलों को रोकने में अमेरिका और यूरोप के देश नाकाम साबित हुए हैं। अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद हूथी विद्रोहियों का सामना नहीं कर पा रहा। यमन के हूथी विद्रोही जब किसी जहाज पर कब्जा करते हैं या उस पर हमला करते हैं तो उसे चारों तरफ से उनकी स्पीड बोट घेर लेती है और फिर जहाज उनके कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे में भारत के कमांडो ऑपरेशन को देखकर अमेरिका सीख सकता है। भारत ने बता दिया है कि जहाज पर कब्जा हो तो कैसे लड़ा जाता है, लेकिन अमेरिका ये हिम्मत हूथी विद्रोहियों के खिलाफ दिखाने में अब तक नाकाम रहा है और इसका खामियाजा अब इजराइल ही नहीं पूरा यूरोप भुगत रहा है। यमन के हूथी विद्रोही जो गाजा पर इजराइल की बमबारी रोकवाने के लिए इजराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं और अब उन्होंने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमला करने की कसम खाई है। फिलहाल हूथी इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने इजराइल से जुड़े जहाजों के खिलाफ न सिर्फ हमले किए बल्कि उनको अगवा भी किया है। इन हमलों ने कई कंपनियों को माल की आवाजाही रोकने पर भी मजबूर किया है। इसी वजह से अब कार्गो जहाज अदन की खाड़ी और लाल सागर के करीब भी नहीं आना चाहते हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यूरोप को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र के स्वेज कैनाल से गुजरती है। अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जा रहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये रास्ता 6000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा। अगर इसराइल जाना है तो रास्ता 10000 किलोमीटर तक ज्यादा हो जाएगा, 3 से 5 दिन का सफर और लंबा हो जाएगा।
ज्यादा फासला यानी ज्यादा लागत, ज्यादा वर्क और कारोबार पूरी तरह चौपट, यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट, क्योंकि वो गाजा में बमबारी का बदला इसराइल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में भारतीय नौसेना का वीडियो अमेरिका के लिए एक सबक है। ये वीडियो देखकर बाइडेन चाहे तो अपनी नेवी को ऑर्डर दे सकते हैं। ये वीडियो देखकर अमेरिका अपना डर खत्म कर सकता है। ये वीडियो देखकर अमेरिका के मशहूर सीए कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से ऑपरेशन करना सीख सकते हैं। भारत के मार्कोस कमांडो देश के शक्तिशाली कमांडो फोर्स में से एक है। '87 में बने मार्कोस बहुत ही तेजी से ऑपरेशन करते हैं। इन्हें अमेरिका के नेवी सील्स की तर्ज पर ही तैयार किया गया था, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज ये ऐसे ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं जो खुद अमेरिका लॉन्च करने से घबराने लगा है। दरअसल इस वक्त लाल सागर में बहुत आग है, इस वक्त लाल सागर के आसपास बहुत गुस्सा है, इस वक्त लाल सागर में वॉर जोन भड़कने की कगार पर है। अगले 48 घंटों के अंदर लाल सागर, यमन और इसराइल के बीच इतनी चिंगारी नजर आ रही है कि पूरा पश्चिम एशिया गाजा के बाद दूसरे युद्ध में डूब सकता है। गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। इसराइल ने दुनिया के प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया है, लिहाजा अब हूथी विद्रोही जिनकी ईरान से बेहद करीबी है, उन्होंने इसराइल के शिप को टारगेट करने का फैसला किया है। वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग लेन दुनिया की लाइफलाइन है और यहाँ पर हमला करने का मतलब इसराइल और अमेरिका के गले पर हमला करने जैसा है। Houthi seizure of the motor vessel Galaxy Leader in the Red Sea is a flagrant violation of international law. We demand the immediate release of the ship and its crew, and we will consult with our allies and UN partners as appropriate on next steps. देखा जाए तो अब लाल सागर में अमेरिका अकेला पड़ गया है, क्योंकि जब अमेरिका घबराया हुआ है तो बाकी छोटे देश कैसे हूथी विद्रोहियों के एंटी शिप मिसाइल का सामना करेंगे, ये सवाल अब बाइडेन से पूछे जा रहे हैं। अमेरिका ने जब से हूथी विद्रोहियों को टारगेट किया है उसके 10 लड़ाके मार गिराए हैं, तब से कहा जा रहा है कि खून खून हुआ लाल सागर नए वॉर जोन में अब मचने वाला है महाबवंडर। बहुत बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपिया से। या सुरक्षा बलों ने लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या का बदला ले लिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी बिलाल अहमद भट्ट को एनकाउंटर में मार गिराया है। सुरक्षा बलों को लंबे वक्त से आतंकी बिलाल की तलाश थी। शोपिया के छोटी गांव में दहशत गर्द के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और मुठभेड़ में आतंकी बिलाल अहमद भट्ट को मार गिराया है। पीओके में आतंकियों का लॉन्च पैड पहली बार कैमरे में कैद हुआ। एलओसी के पास से ऐसी तस्वीरें मिली जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों के लॉन्च पैड देखे जा सकते हैं। सेना दावा करती है कि एलओसी की दूसरी तरफ जो गांव हैं, वहां के घरों को आतंकी लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एनकाउंटर में टेररिस्ट जो था उस जिसका नाम बिलाल भट्ट था वो न्यूट्रलाइज हुआ। लेफ्टिनेंट उमर फयाज के हत्या का बदला सेना ने ले लिया है। सेना के इस अफसर की 2017 में हत्या करने वाले आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। ये जम्मू कश्मीर में आतंक का बड़ा नाम था जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। नाम है बिलाल अहमद भट्ट। काम, आतंकी वारदात को अंजाम देना, लश्कर ए तैयबा का दहशतगर्द। आरोप, 2017 में लेफ्टिनेंट उमर फयाज के अपहरण और हत्या में शामिल होने का।
इस आतंकी के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। कैसे बिलाल अहमद भट्ट घाटी में आतंक का पर्याय बना, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। जगह जम्मू कश्मीर का शोपिया, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। सामने कुछ आतंकी छिपे हैं। आतंकियों से निपटने के लिए जवान दबे पांव आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी भनक आतंकी को लग गई और जवानों पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कई घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी बिलाल अहमद भट्ट को मार गिराया। सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है। पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुंछ और राजौरी में हुए एनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी फोर्स कोई चांस नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि इस वक्त घाटी में लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक के बाद एक आतंकी का सेना सफाया कर रही है, लेकिन असली टारगेट तो LOC के पार है। ये तस्वीरें पुंछ और राजौरी बेल्ट के दूसरी तरफ की हैं। भारतीय सेना पुंछ और राजौरी बेल्ट के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में इन लॉन्च पैड पर नजर रख रही है। इन लॉन्च पैड पर आतंकवादियों की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। सेना ने हाल ही में LOC पर पाकिस्तानी हिस्से में नटाला पोस्ट के एक लॉन्च पैड से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया था। तभी से पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड भारतीय सेना के रेडार पर है। पुंछ में LOC के पार POK में आतंकियों ने जो लॉन्च पैड तैयार किए हैं, उनमें नल्ली का इलाका है। भिम्बर का ठिकाना बहुत खतरनाक है। POK में एक लॉन्चिंग पैड बकबक में है। बगसर में भी आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। POK के पखुरनी में भी अड्डे हैं। माखजाल से भी आतंकवादी लॉन्च किए जाते हैं। LOC और POK की इंटेलिजेंस से एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली। पाकिस्तान आतंकियों को कई ग्रुप में तैयार कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप कई क्लस्टर में एक्टिव हैं। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना ने सभी लॉन्च पैड LOC के आसपास तैयार कर दिए हैं। जानकारी ये है कि लॉन्च पैड LOC से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही बनाए गए हैं, ताकि आतंकियों को घुसपैठ में ज्यादा वक्त न लगे। सेना ने भी हर लॉन्च पैड पर नजर बनाई हुई है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की घर गतिविधियों को इंटेलिजेंस एजेंसियां भी लगातार ट्रैक कर रही हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये है कि POK में आतंकियों के कैंप में कई मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अफसरों का लगातार आना जाना है। मीटिंग में कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमलों को लेकर बात हो रही है और घुसपैठ की कोशिश तेज करने पर फोकस किया जा रहा है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों का कैडर इस वक्त पेशावर से बहावलपुर और मुजफ्फराबाद के अलग अलग ठिकानों पर मौजूद है। यही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से इनको हर संभव मदद मिल रही है। घुसपैठ से पहले इन आतंकियों को मुजफ्फराबाद और कोटली पहुंचा दिया जाता है। आतंकवादियों के ये क्लस्टर मनशेरा में है, मुजफ्फराबाद में है, कोटी में है और मुरीदके के साथ बहावलपुर में है। मनशेरा पाकिस्तान में है और यहाँ बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला और पतरासी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद POK में है और यहाँ चेलाबंदी, सवाई नाला, मुस्करा अक्सर और दुलाई नाला में टेरर कैंप है। कोटली भी POK में है। गुलपुर, सेंसा, बराली और दुंगी में भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है। पुंछ और राजौरी में हुए आतंकी हमले के पीछे ऐसे ही आतंकियों और उनकी मदद करने वालों का हाथ बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकी संगठन TRF काफी एक्टिव है, यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसका ये ग्रुप लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहा है। नए अटैक में जो आतंकी शामिल रहे, उनमें जैश से लेकर लश्कर और हिजबुल का कैडर एक्टिव रहा है। पाकिस्तान के कमांडो दस्ते SSG को इस वक्त बड़ा मिशन दिया गया है। उनका काम है आतंकवादियों को घुसपैठ कराना और उनके आत्मघाती दस्तों को LOC के पार कराने के साथ कवर फायर देना। इसके लिए पाकिस्तान की BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम भी काम पर लगा दी गई है। इस टीम में आतंकवादियों को अपने चीन से मंगाए गए हथियार और नाइट विजन डिवाइस भी दिए गए हैं, ताकि रात में भी घुसपैठ को मुमकिन किया जा सके।
इस वक्त एलओसी पर चप्पे चप्पे पर भारत की फौज तैनात है, लिहाजा भारतीय सेना की पूरी घाटी पर नजर रहती है। लेकिन यहाँ जंगलों से घिरे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ न बाड़ लगाना आसान है न ही निगरानी। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ निगरानी रखने के लिए एक बटालियन भी कम पड़ती है। एलओसी के उस पार के ये वही इलाके हैं जहाँ बिलों में छिपकर पाकिस्तान के दहशतगर्दों की टोलियां घुसपैठ की ताक में रहती है। एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी बेनकाब हो गई है। ये पुख्ता रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास पाकिस्तान के प्लान की पूरी रिपोर्ट है। ओंकारा से लेकर मुजफ्फराबाद तक आतंकवाद के कारखानों की पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। इस वक्त सेना के पास पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और ISI के बैकअप की पूरी रिपोर्ट है। लश्कर जैसे आतंकी संगठनों में लड़कों को कैसे भर्ती किया जाता है, नौजवानों और बेरोजगारों को कैसे कांटेक्ट किया जाता है, ISI और लश्कर की मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, भर्ती के बाद लड़कों को कहां भेजा जाता है, कहां और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग कौन देता है, माइंड वॉश कैसे होता है और फिर हथियारों के साथ उन्हें किस रास्ते भारत भेजा जाता है,